गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का अपने इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। सो, आज का ये व्लॉग है हमारे अर्थ डे पे। अभी रिसेंटली हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया है, तो उसके रिलेटेड मैं ये व्लॉग बना रहा हूं। सो इस व्लॉग में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ की क्या हालत है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, सो दैट मैं अपने वीडियो को और अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट करूँ। चलिए फिर चलते हैं, अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा अर्थ। वाकई में अर्थ ऐसा होना चाहिए। जहाँ हर तरफ हरियाली हो, ये देखिए, वैसे तो हम हैप्पी अर्थ डे मना लेते हैं, क्या वाकई हमने अर्थ को अर्थ लायक रखा है? ज़रा सोचिएगा, गौर फरमाइएगा। ये अर्थ, ये पृथ्वी काफ़ी सुंदर थी। हम इंसानों ने इसे बर्बाद कर दी, इस अर्थ की खूबसूरती को नष्ट कर दी। मुंबई के आरे में चले जाइए, वहाँ पे जाइए, देखिए कितने कैसा वातावरण लगता है जहाँ पे ऐसी हरियाली होती है। बट शहरों में ये हरियाली देखने को नहीं मिलती। जहाँ देखो वहाँ कचरा, जहाँ देखो वहाँ पेड़ों की कटाई, समुंदर इतने अच्छे थे, बट वहाँ पे हम लोग ने ऐसे गंदगी फैलाई है कि समुद्री जीवों को भी तकलीफ होती है हमारे उस गंदगी की वजह से। इतने सारे फैक्ट्रियाँ हैं जिनका गंदा पानी नदी नालों में छोड़ा जाता है और वो पानी जाके समुद्र में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हमारे इस अर्थ में फैल चुका है, वो भी किसके कारण? हम लोगों के कारण। हैप्पी अर्थ डे मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें इस अर्थ की देखभाल के लिए कदम बढ़ाना होगा और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह अर्थ की खूबसूरती के लिए हमें स्वच्छता अभियान चलाना होगा। देखिए एक नज़ारा हमारे इस पृथ्वी का, जो हम इंसानों ने इसकी हालत की है। आगे वाले स्लाइड में देखिए कैसे हमने गंदगी फैलाई है हर एक जगह पे। अर्थ की जो व्यवस्था है, जो हाल है, उसके जिम्मेदार हम सिर्फ हम हैं। सो देखिए, सोचिए और अपने इस अर्थ, अपने इस धरती, इस पृथ्वी के लिए
कुछ कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये और भी बदतर हो जाएगा अगर अभी से हमने ध्यान नहीं दिया तो। अर्थ कुछ इस तरह होना चाहिए। वाकई हम इस अर्थ में रहने लायक नहीं। कहते हैं ना, कुत्ता भी जहाँ बैठता है, जहाँ रहता है, तो वो साफ़ सफाई करके बैठता है। बट हम इंसानों ने अपने ही इस स्वर्ग जैसे अर्थ को, पृथ्वी को, धरती को नरक जैसा बना दिया है। इतनी गंदगी फैला दी है, पूछो मत। कहीं कहीं जब मैं अपने अर्थ की, अपने पृथ्वी की खूबसूरती देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हमारा अर्थ, हमारी धरती, हमारी पृथ्वी कैसी थी और हमने किस तरह उसे, उसकी खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दी। सच में